हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनीशा एंड शाहज़ैन व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम लोग गए थे कबाब जी हाईवे कराची, तो मैंने सोचा आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अनीशा की जो है लास्ट संडे की जून जुलाई की छुट्टी थी, कल से इसके मंडे के 7 अगस्त से जो है स्कूल स्टार्ट थे, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़िद किया। मैंने कहा नहीं, हम लोग चलेंगे बाहर और थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये हम कबाब जी पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और आप लोग भी जाइएगा बच्चों के साथ लेके जाइएगा, रेस्टोरेंट भी है, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था पहले सी व्यू जाऊँ या सिंधबाद जाऊँ, कराची में तो यही चीज़ें होती हैं जगह घूमने फिरने की, लेकिन मुझे कबाब जी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बड़ों के लिए खाने पीने की भी चीज़ें अच्छी हैं, रेस्टोरेंट का अलग सिस्टम है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर चीज़ है यहाँ पे, स्विंग्स हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे झूले, बड़े झूले, और बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को तो। और वो जो है क्या नाम है, बच्चे घूमने के लिए घुमाने के लिए लेके जाएं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ जाइएगा और बच्चों के साथ खूब इंजॉय करिएगा। आप भी इंजॉय करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा ज़बरदस्त हो रहा था ना, तो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम शाम के टाइम गए थे, 4 बजे के बाद निकले थे, हाईवे का था, थोड़ा टाइम लगा रास्ते में, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आते आते तो हमें रात ही हो गई थी, रात को तो और ही व्यू अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत शुरू हो गई थी, लाइटिंग का तो और ही अलग मज़ा होता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी। मैं जाती थी सी व्यू की तरफ, दोराजी है वहाँ जाती थी, लेकिन वहाँ पर बस बड़ों का है कि बस खाना बना खाया और आ गया, लेकिन बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो बच्चों के लिए ये जो चीज़ थी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आप लोग भी जाइएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हमने यहाँ पे जो है खाने के लिए कढ़ाई मंगाई थी, वाइट कढ़ाई, और अनीशा के लिए हमने ब्राउनी मंगाई थी, और बहुत जैसे मज़ा आया और बहुत मज़े की थी। ज़्यादा हैवी नहीं थी, हमने तो खाना खाया था, लेकिन जैसे ज़्यादा होता है ना कि हम खाना खाते हैं तो लगता है कि हमने बहुत खा लिया, पेट भर गया, लेकिन ये इतनी लाइट थी, इतनी लाइट थी कि पता ही नहीं चला कि हमने खाना खाया है। हम लोग जब रास्ते में भी आए, घर में भी आए, बिल्कुल ईजी फील हो रहा था, इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा इन्वायरमेंट, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, अलग से जो है क्या नाम है, वज़ू का एरिया, नमाज का एरिया, वॉशरूम, सब सारा सिस्टम था, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा बहुत। और हवा तो इतनी अच्छी चल रही थी, इतनी अच्छी चल रही थी कि बस पंखा नहीं, हवा है कि नहीं, पंखा चल रहा है, कितनी हवा लगी। ऐसे क्या चाहिए ऐसा, व्हाट डू यू वांट? What this one? ये देखिए, अनीशा ने तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन शाहज़ैन थे तो शाहज़ैन ने इस दफ़ा थोड़ा एंजॉय नहीं किया, लेकिन अनीशा ने तो माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह से। हमने कढ़ाई मंगाई थी, वाइट कढ़ाई, और अनीशा के लिए ब्राउनी मंगाई थी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी ना, ऑयली थी, आप खुद देख सकते हैं, और ब्राउनी भी बहुत अच्छी थी। फिर हमने दूसरी ब्राउनी भी मंगाई थी। अरीशा
मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और हवा तो इतनी चल रही थी कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। रिशा तो कह रही थी कि किसने पंखा खोल दिया है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आप लोग भी जाइएगा और बच्चों के लिए देखें कितने अच्छे अच्छे प्ले एरिया बने हुए हैं। डायनासोर अरीशा और शाहजहाँ जो है ना, वो थोड़ा डरते हैं झूले से ना, तो इस वजह से हमने उनको झूलों वगैरह में नहीं बिठाया। और लेकिन अरीशा ने बाहर ही बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि डायनासोर थे और बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई थी ना, तो शाहजहाँ थोड़ा सा इस वजह से डर गया था, लेकिन बहुत मज़ा आया था। शाहजहाँ ने भी एंजॉय किया था, अरीशा ने भी किया था, और मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मैं बच्चों की वजह से गई थी और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, तो दिल बहुत खुश हुआ। अरीशा इधर देखो ना, आप खुद देखें कि हवा कितनी लग रही है, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी, और हाईवे पे भी था, तो मतलब सब कुछ था माशाल्लाह से, बहुत एंजॉय आया। चलो अरीशा देख लिया, अरीशा इधर देखो, वाटरफॉल्स और जगह जगह स्विंग्स, और बच्चों के लिए हर चीज़ थी, और बड़ों के लिए भी जैसे नमाज का एरिया होता है, वॉशरूम, और वॉशरूम अलग था, सारा चीज़ों का सेटअप अच्छा था। और मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इसमें आई लव अल्लाह लिखा हुआ था, कलमा लिखा हुआ था, तो इस वजह से तो मुझे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। जगह जगह हम जा रहे थे तो अच्छा लग रहा था कि चलो इस्लाम के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, और जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा लिखा हुआ था, आई लव अल्लाह लिखा लगा हुआ था, ये तो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी थी। दूर हो थोड़ा, चलो चलो, हाँ चलो अरीशा, चलाओ चलाओ, चलो आ जाओ। आ जाओ।
जाओ जल्दी। अरिशा को तो दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने का, बस ये कह रही थी कि मैं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बार बार ये करती जाऊं। अरिशा खड़ी हो जाओ कुछ नहीं है। खड़ी हाँ कुछ नहीं करता अरिशा, कार्टून क्यों? वो देखो अरिशा कैसे चल रही है। वो देखो अरिशा, व्हाट इज दिस अरिशा, व्हाट इज दिस? Arisha, what is this? Gorilla. कैंडी अच्छी नहीं लगी, ये जो जेली वगैरह बनी हुई थी ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी बस मुझे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और मैं आपके साथ मजीद वीडियो शेयर करूंगी, और आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा क्योंकि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है और किस तरीके से लगती हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।